हेलो गाइस, मैं आपका अपना चैनल तिवारी क्लासेस एचएम में आपका क्या है कि तुम लोग को कुछ नहीं आता, आज आज से शुरू के जब जागो तभी सुबह है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को पूरा देखिए, बस इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बस क्या है आप टेंशन मत लीजिए, ठीक, क्योंकि जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा, है ना। अब जो है तुम्हारे हाथ में क्या है, अब अक्टूबर से पढ़ करके कैसे नंबर लाए। पाँच गलतियाँ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, वो क्या गलती है, गलतियों की सावधानी रखिए। पहला क्या लिखा, देखो पांच गलतियां ज्यादातर स्टूडेंट करते हो। पहला गलती क्या है, ये फॉलो, अगर हमारी बात को अगर आप फॉलो करते हो 100% या कितना जान लीजिए 90% आप स्कोर कर रहोगे, है ना। आप देखोगे कुछ आपको खुद अच्छा लगेगा, क्या कहने चाह रहे हैं हम आपको खुद स्वयं इस वीडियो में प्रूफ हो जाएगा सारा कुछ। पहला बात क्या है, अपना इस समय क्या करते थे, अपना ज्यादातर समय क्या देते थे, मनोरंजन पे लगा ले, गाना वगैरह सुन रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। 4 से 5 महीना बचे हैं, है ना, अक्टूबर छोड़ नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 से 4 महीना बचा आपका, अच्छे से पेपर दीजिए। फरवरी या मार्च के बीच में पेपर होता है हाई स्कूल इंटर का, तो करना है करिए। अच्छा, दूसरा नियम क्या है, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं तुम लोग। क्या करते हो, टाइम टेबल तो जोश में मोटिवेशन दे करके तुमने बनाया बट फॉलो नहीं किया, ये गलत करते हैं, ठीक। तीसरा नंबर क्या है, अच्छा जो जो टाइम टेबल को फॉलो करते हैं वो कमेंट में लिख कर बताना, देखते हैं हम भी कि कितने लोग टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। और ये भी बताना, जो बच्चा हाई स्कूल में, ठीक, हाई स्कूल में 6 से 8 घंटा पढ़ता है वो कमेंट में लिखना, ठीक। यस, तीसरा नंबर था चैप्टर वाइज ना पढ़ा, तुमने क्या किया, उठाया पढ़ते चले गया, मतलब आपने एक पढ़ तो दिया लेकिन क्या हुआ, भूल जाते, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते ना तुम लोग, बड़ी गलती है, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते, ठीक। तीसरा चौथा नंबर क्या है, सेल्फ स्टडी का समय देना। सेल्फ स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, आप स्वयं अपने आप पर समय दीजिए, सवाल पर दीजिए, ठीक, तब आपका क्लियर होगा, अच्छा नंबर पाओगे, ठीक। फिर क्या आता है पांचवा नंबर, एकाग्रता लगाकर ना पढ़ना। आप लोग क्या करते हो, ध्यान बनाकर नहीं पढ़ते हो, बस ऐसे पन्ना पलटा फोटो देखना शुरू कर देते हो, है ना। अच्छे से पढ़ो, भले कम पढ़ो, ठीक, कोई बात नहीं, 5 सवाल लगाओ दिन भर में, अच्छे से लगाओ। ये तो बात कोई ने बोला होगा कि सर ये दिन भर पढ़ते हैं 6 घंटा इनको नहीं आता, ये 2 घंटा पढ़ के, 2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये आप गलत मोटिवेशन। आपको 4 घंटा से 6 घंटा देना ही पड़ेगा हाई स्कूल में, इतना जान लीजिए दोस्त, कोई भी किसी के कहने पर मत आइए, 4 से 6 घंटा आपको देना पड़ेगा, इतना कंपलसरी है हाई स्कूल के लिए। इंटर के लिए कम से कम 10 घंटा आपको बिल्कुल देना ही पड़ेगा, साइंस सर जो भी हो आप लोग, ठीक, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देखो सबका अपना अपना डिमांड होता है, इसे मान लिया तुम्हारे लोग का डिमांड होगा क्या, 60 तो होगा नहीं, मान लिया 60%, किसी का 70%, किसी का 80%, किसी का 85%, किसी का 90%। तो अगर 80, 60, 70 तो मान लीजिए, चलो ये निम्न में कोई नंबर, मतलब है पास हो तो 80, 85, है ना, 80, 85, 90, यहाँ से आपकी गिनती उल्टी शुरू हो जाती है, यहीं से आपको मेहनत करना शुरू। अगर 90% लाना है तो हार्ड वर्क, अच्छे से मेहनत करना दिमाग के साथ, 85% लाना है तब भी मेहनत करना पड़ेगा, अगर 80 लाना है तब भी मेहनत करना पड़ेगा, 70% आपको इस नियम को फॉलो करोगे तब भी आ जाएगा, नहीं करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान से कुछ नियम उनके भी हैं, उनको आपको देखते रहिए, ठीक। कुल मिला के आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी परसेंटेज आप पाओगे अच्छे से अच्छे, और अच्छे नंबर पाओगे, ठीक।